गृहस्थी का फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा। आज सबसे बड़ी समस्या तो यही आ रही है कि घर घर में स्थिति चरमरा रही है, वैचारिक क्रांति मची हुई है घर घर में। बोलो मची है कि नहीं? आज इतनी वैचारिक क्रांति मची है, अनुभव कर रही होंगी माताओं बहनों बेटियों, कि आज पत्नी पति की नहीं सुनना चाहती है, पति पत्नी की नहीं सुनना चाहता है, बाप बेटे की नहीं, बेटा बाप की नहीं सुनना चाहता है, माँ बेटी की बात नहीं सुनना चाहती है, बेटी माँ की बात नहीं सुनना चाहती। ये वैचारिक क्रांति को दूर करना है तो आज आध्यात्मिक पाठशाला में तुम्हारा एडमिशन हो गया है, आध्यात्मिक पाठशाला में तुम्हारी भर्ती हो गई है। इसलिए एक एक शब्द तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये अवसर स्वर्णिम अवसर है, ये बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए इसको गमाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, कान लगा करके सुनना और मन मस्तिष्क की डायरी में एक एक शब्द नोट करती रहना, क्योंकि हम केवल प्रवचन करने के लिए ही नहीं आए हैं, हम केवल राम कथा सुनाने के लिए ही नहीं आए हैं, हम घर घर की व्यथा को दूर करने के लिए आए हैं। वो माध्यम मैंने राम कथा को बनाया है, इसलिए राम कथा के माध्यम से घर घर की व्यथा दूर हो। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। विजय कैसे मिल सकती है? परिवार भी आज ऐसे कगार पर पहुंच गया है कि जहां पराजय ही पराजय हाथ लग रही है। विफलता का मतलब पराजय होती है कि नहीं होती है, बोलो। और छोड़िए दुनिया की बात, आज अगर बाप पराजित हुआ है तो बेटे की अकर्मण्यता से हुआ है, बोलो हुआ है कि नहीं हुआ है? बेटे की अकर्मण्यता से बाप पराजित हो गया है कि मैंने तो बहुत मेहनत की है, मैंने तो बहुत कोशिश की है, लेकिन आज मैं हार चुका हूं क्योंकि मेरा बेटा मेरा साथ नहीं दे रहा है। इसलिए आज ये बहुत बड़ा संबल मिलने जा रहा है। ये कथा साधारण नहीं है, ये मंच साधारण नहीं है, ये संतों का मंच है। कान खोल करके सुनना, एक एक बात महत्वपूर्ण निकलेगी और उससे तुम्हारी व्यथा दूर होगी, लेकिन सुनने की जरूरत है, सुनना पड़ेगा तभी। चर्चा चल रही थी, भगवान ने कहा ऐसा मत करना, तपस्विनी है सुलोचना और लंका की वो कुलवधू है। क्यों भाई है नहीं कुलवधू? किसी कुल की कुलवधू को बलपूर्वक लाना ये अनीति होगी और राम ये नहीं चाहता है। अनीत पूर्वक राम विजय श्री हासिल नहीं करना चाहता है। खबरदार, हनुमान जी ने कहा ठीक है सरकार, वो तो मैं ही जान रहा था। तो सती तपस्या करे लेकिन संत को तो ला सकता हूं, क्या दिक्कत की बात है? भगवान राम ने कहा ऐसे नहीं, संत को भी लाना है तो स्वभाव से प्रभावित करके लाना है, दबाव में नहीं। दबाव में नहीं, किसमें? स्वभाव से प्रभावित करना है। अच्छा, साधु को तुम दबाव से प्रभावित करोगे कि इतने स्वभाव से? जल्दी बोलो, स्वभाव से। साधु वास्तव में स्वभाव से प्रभावित होता, और दबाव बनाओगे तो अंदर अंदर से श्राप देगा, भस्म हो जाओगे, धीरे धीरे पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या, ये क्या हुआ, अंदर से आग लगी थी, वो आग काम कर रही थी, एक दिन तुम्हें खाक कर दिया उस आग ने, अंदर ही अंदर से सुलगती रही, क्यों भाई, और तुम्हें खाक कर दिया। इसलिए साधु को दबाव में मत रखना, भला चाहते हो तो साधु को स्वभाव से जीतो। किससे जीतो? स्वभाव से। ये मंत्र मिल गया तुम लोगों के लिए, समझ लो। भगवान राम ने कहा विभीषण संत है, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, हृदय से मैं विभीषण को चाहता हूं, लेकिन हनुमान प्रभाव से नहीं, दबाव से नहीं, अपने सुंदर स्वभाव से बस में करना। किससे बस में करना? स्वभाव से। हनुमान जी ने कहा ठीक है सरकार, और कहा बस सफलता मिल जाएगी, सुलोचना को करने दो तपस्या, हमें उर्मिला के सतीत्व पर भरोसा है, वो तपस्या कर रही है, पूरा विश्वास है। लेकिन सीता भले ही लंका में पहुंच गई है, सीता की चिंता मत करना, कहीं भी सीता रहेगी वहां तपस्या करेगी, वो उसकी तपस्या सदा राम के पास रहेगी, राम के साथ रहेगी। सीता का शरीर कहीं भी हो लेकिन वास्तव में सीता का संपूर्ण चरित्र तो मेरे हृदय में हृदयस्थ हो चुका है, सीता मुझसे दूर नहीं है।
बस केवल विभीषण को प्रभावित करना अपनी सरलता से कर सकते हो क्या? हनुमान जी बोले कोशिश तो पूरी करूंगा और सफलता लेने की भी कोशिश करूंगा। कहा तो बस यही कोशिश करो, संत को प्रभावित करो अपनी सरलता से। सरलता जीवन में आएगी तो संत प्रभावित होंगे, और यदि सरलता नहीं होगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हनुमान जी जैसे ही गए, अच्छा ईमानदारी से बताओ, विभीषण जी के जैसे ही कुटिया के सामने हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी ने प्रभावित कैसे किया? साधु किसी को भी प्रभावित करता है तो राम नाम के बल से प्रभावित करता है। किसके बल से? राम नाम की। भजन करने वाला साधु समाज प्रभावित होगा, उससे जरूर होगा जो भजन करने वाला साधु होगा। विभीषण सबसे ज्यादा भजन करता है। गोस्वामी जी कहते जैसे हनुमान जी पहुंचे तो विभीषण के मकान के अंदर से आवाज रही थी, राम राम राम। रात्रि का समय है और आवाज क्या निकल रही थी? राम राम राम। हनुमान जी ने कहा लंका में रात्रि में राम राम कहने वाला कौन है? कन्फर्म है, तुलसी भी है, मंदिर भी अलग से बना है, वो अंदर से आवाज आ रही है राम 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 राम। माताओ कोई भी काम करो, वाणी से राम ही राम कहो। रोटी बना रही हो, रोटी हाथ से बेलो, लेकिन राम 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 राम। रोटियों में राम राम का प्रवेश हो जाएगा। किसका प्रवेश होगा रोटियों में? राम का प्रवेश होगा कि नहीं होगा? जब राम 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 कह करके रोटियां बनाओगी तो किसका प्रवेश होगा रोटियों में? जल्दी बोलो, राम का प्रवेश होगा। और जो भी उन रोटियों को पाएगा उसके अंदर भी राम का प्रवेश होगा। ये सिद्धांत है, बोलो होगा कि नहीं होगा? लेकिन तुम राम राम कह के रोटी नहीं बेलती हो, बेलना लिया हाथ में और रोटी हमरे ही टूटी, मरे ही जा रहे, क्या करें? क्यों भाई? यही कंडीशन है कि नहीं? जल्दी बोलो, बोलो यही कंडीशन। इतनी भी हैं वो इसी कंडीशन में, क्रोध क्रोध हर रोटी में, क्रोध क्रोध। अच्छा उन रोटियों को जो पाएगा वो हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? क्योंकि क्रोध है उनमें, इसलिए घर घर में झगड़े ही झगड़े झगड़े ही झगड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हमारी बात अन्यथा मत लेना, बुरी मत मानना, अन्यथा मत लेना। और मान जाओ तो मान जाओ, कल तो हम चले जाएंगे, मानने से क्या होता? मान जाओ बुरा। अच्छा बुरा मान भी जाओगे तुम लोग तो हमें क्या मतलब? क्या हमें लोकसभा का चुनाव लड़ना है जो तुमसे वोट लेना है? हम तो साधु ठहरे, बुलाया आ गए और चले जाएंगे, फिर बुलाओगे तो जरूर आ जाएंगे, क्यों भाई? लेकिन बिना कहे चूक नहीं सकते। प्रेम से रोटियां बनाओ, राम राम कहो, झाड़ू लगाओ तो राम राम कहो, झाड़ू लगाओ राम राम कहो, कचरा बाहर होगा, राम राम कहने से अंदर के विकार बाहर होंगे। झाड़ू लगाने से जो कचरा बाहर पड़ा हुआ है वो बाहर हो जाएगा, और राम राम कहने से अंदर का जितना कचरा है विकारों का वो दूर हो जाएगा। इसलिए राम राम कहो। तुम किसान हो, खेत में जाओ, हाथों से काम करो, आंखों से देखो, लेकिन वाणी से क्या कहना है? राम 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 कहना है, कहना है कि नहीं? एक बात और बताएं, जिंदगी भर की दुश्मनी हो, मोहल्ले के समझा लें, रिश्तेदार समझा लें, लेकिन समझौता नहीं होता। हम तरीका बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। जिससे विरोध है सामने से आ रहा हो, कहना भैया राम राम, तुरंत ही कहेगा आज राम राम हो गई, अब विरोध खत्म, क्योंकि अब तो राम राम हो गई। क्यों भाई? तुरंत ही दुश्मनी खत्म हो जाएगी कि नहीं? और सुनो माताओ, घर में कोई विवाद हो, देवरानी जिठानी में, सास बहू में, अगर कोई अनर्गल प्रलाप कर रही है, चाहे बहू की भूमिका में हो चाहे सास की भूमिका में, लेकिन तुम बदले में वही शब्दों को मत दोहराओ, फिर कुछ भी कहे कोई घर में अंदर, राम 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 राम। अच्छा ज्यादा तेज बोले तो तुम भी तेज कहो, राम राम। वो कहे राम 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 राम।
राम ही राम कहते जाओ, देखो फिर हृदय बदलता है कि नहीं बदलता है, हृदय परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, करके तो देखो। हमने तो अनुभव कर लिया ही अनुभव। एक साधु हमसे झगड़ने आया था और जैसे बोला ये वो स्वामी का राम राम, बोले ऐसा कि हमने राम राम, बोले ऐसा कि हमने राम राम, बोले अरे ये क्या है, हमने कहा यही तो चमत्कार है। तो तुरंत ही कहता अच्छा दंडवत है महाराज हम जा रहे हैं, देखो राम राम ने दंडवत करा दी कि नहीं करा दी, हमने कुछ कहा ही नहीं उससे, राम ही राम करता रहा हम, जितने स्वर में उसने विरोध किया उतने स्वर में हमने राम राम कहा। तो राम 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 ये जरूर सुंदर बात कह रहा हूँ, सुंदर तरीका है ये, इससे प्रेम बढ़ेगा, राम जी रक्षा करेंगे, राम जी तुम्हारा संतुलन पूरे समाज का बनाएंगे। विभीषण जी लंका में विरोध की आग में थे प्यारे, लेकिन विरोध की आग जला पाई विभीषण को क्या? जल्दी बोलो किसने बचाया, जल्दी बोलो, राम के नाम ने बचाया। प्रहलाद को भी आग से किसने बचाया? राम के नाम ने बचाया। बोलो बचाया कि नहीं? इसलिए राम राम कहो, फालतू की बात वाणी से कहने की कोई जरूरत नहीं है। अंदर से आवाज आ रही थी राम 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 राम, तही सुम हरस हृदय कपिसा जन चीना। बोलो भाई राम राम जैसे शब्द सुनाई दिया, हनुमान जी बोले इसके अंदर कौन रहता है? सज्जन रहता है, सज्जन रहता है। बताओ एक बार भक्तमाल की कथा सुना दें दो मिनट की। धनाबाई थी, भगवान का भजन करती थी, क्या हुआ कि जो भी काम करे भगवान का नाम लेवे, जैसे झाड़ू लगावे तो एक ही मंत्र करती थी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। रोटी बनावे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। पारुष करे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। गौ सेवा करे गौशाला में, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कंडा पाथने जावे, कंडा कंडा पाती हो ना, कंडा पाथे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक दिन कंडे चोरी चले गए, गांव भर के कंडे जो है वहीं एक ही क्षेत्र में कंडे बनाए जाते थे पूरे गांव के। अब कंडे चोरी चले जाएं तो कंडे मिलेंगे कैसे? सोना चांदी पैसा रुपया कुछ जाए तो उसका आकार प्रकार सारी बातें, लेकिन कंडे में कंडा डाल दो। अब बताए कंडे में कंडा डाल दो तो क्या पहचान है? क्या लिखा है कि ये जमींदार के, मालगुजार के, गोटिया के? क्यों भाई उसमें लिखा रहता है क्या ये किसके कंडे हैं? दुबे तिवारी चौबे शर्मा वर्मा मालवीय त्रिपाठी किसके हैं, क्या लिखा रहता है? लेकिन याद रखना धनाबाई ने भोजन करना बंद कर दिया, पानी छोड़ दिया पीना बंद कर दिया। उनके पति आए तुकाराम जी, तुकाराम जी ने कहा क्या बात है, शरीर तेरा दुर्बल हो गया, आंखों में आंसू रहते हैं, बात क्या है, बोलती क्यों नहीं है? तनाबाई ने कहा कि कंडे चोरी चले गए। अरे तो कंडे ही तो चोरी गए, क्या सोने का हार चला गया? चले जाने दो। कहा वो कंडे नहीं थे, फिर हर कंडे में भजन था। क्या था? कंडे चोरी नहीं गए, भजन चोरी चला गया। वो मेरी निधि है, भजन क्या है? मेरी निधि है। हे स्वामी कंडे नहीं गए, मेरी संपत्ति चोरी चली गई, सोना चांदी चला जाता मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन भजन मैंने जो किया था वो चला गया। भजन सबसे बड़ी संपत्ति है। बोलो विभीषण ने सोने की लंका त्यागी लेकिन भजन नहीं छोड़ा। बोलो छोड़ा क्या भजन, जल्दी बोलो। विभीषण भी सबसे बड़ी संपत्ति लंका को मानता है कि भजन को मानता है? भजन को मानता है। बोलो मानता है कि नहीं? आज धनाबाई भी भक्तमाल पढ़िए, धनाबाई भी सबसे बड़ी संपत्ति मान रही है तो किसको मान रही है? भजन को मान रही है। तो कहा देखो कंडे चले गए, भले ही तू भजन था लेकिन चले गए, चले गए, अब मिलेंगे कैसे?
कहा स्वामी मैं प्राण त्याग दूंगी लेकिन मैं रह नहीं सकती। अच्छा कैसे मिलेंगे, जा खोज के आ। तुकाराम जी साथ में लेके चले तो जिस कंडे के ढेर के पास जावे और धनावाई कान लगा रहे, दूसरे के पास जावे ढेर कंडे का जहां लगा था कान लगावे। तुकाराम बोले पगली हो गई है क्या, क्या कंडे बोलते हैं? कहा स्वामी कंडे नहीं बोलते लेकिन भजन तो बोलता है, कंडे नहीं बोलते हैं लेकिन भजन बोलता है। जैसे चौथे कंडे के ढेर के पास पहुंची और कंडा लिया हाथ में और कान में लगाया तो कंडे से आवाज आ रही थी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कंडे से आवाज आ रही थी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब कंडे से आवाज आ सकती है गोविंद के नाम की तो रोटियों से राम नाम की आवाज क्यों नहीं आ सकती है? आ सकती है लेकिन भाव होना चाहिए तब। जिस वस्तु में राम का नाम प्रवेश होगा वो वस्तु राम हो जाए।